क्वेश्चंस दे दिए हमने, इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट पर हमने पहले क्या करना है, ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या साइन है, मल्टीप्लीकेशन है। सबके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है, ठीक है। यू पर हमारे पास था 3/4 मल्टीप्लाई बाई -8/15, इसकी कटिंग हो रही थी, मैंने कटिंग कर दी, 3 1 3 3 5 15, ठीक है। 4 1 4 और 4 2 8, और माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस आता है, लेकिन अभी मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में नहीं किया, बल्कि मैंने अभी -1 मल्टीप्लाई बाय -2/5 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट जो है राउंड ब्रैकेट, उसमें आप देखें 3 और 3 की कटिंग हो रही है, ठीक है, 2/5, और इसी तरह है, और 3 1 3 3 1 3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -2/5 आ गया, ठीक है। थर्ड वन जो ब्रैकेट है उसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है -4/7 मल्टीप्लाई बाय 14/15। 7 के टेबल में जो है 14 आता है, तो हमने क्या किया, 7 की कटिंग कर दी और 14 की कटिंग कर ली 7 के टेबल के साथ, ठीक है। हमारा आंसर आ गया माइनस माइनस, चूंकि प्लस होते हैं इसलिए मैंने 8 के साथ अभी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही आप लिखें या ना लिखें, पॉजिटिव ये इसका मतलब पॉजिटिव ही होता है, 4 2 8 और 15 1 15, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करें, ये देखिए 2 1 2 और 5 1 5, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये बाहर भी माइनस का साइन था, अंदर भी ब्रैकेट के माइनस का साइन था, माइनस माइनस क्या हो गया, हमारे पास प्लस आ गया, +2/5, और -8/15 हमारे पास इसी तरह आएगा। अब आपके पास 3 फ्रैक्शंस आ गई है विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यानी 2 के डिनोमिनेटर सेम है और थर्ड वन का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमने क्या करना है, पहले जिनका सेम डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लिया, 5 ही एलसीएम आता है, और 2 में अगर 2 ऐड करें तो क्या आता है, 4 आता है, 4/5 -8/15, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने 15 और 5 का क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, 15 और 5 का एलसीएम 15 आता है, 5 के टेबल में 15 3 से आता है, तो ऊपर नीचे आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 3 से हमारे पास क्या आता है, 12 -8, इसी तरह आएगा 8/15, और 12 में से आपने 8 माइनस किया तो आपके पास क्या आता है, 4/15।